राधे भक्तों, मैं राहुल गुप्ता आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ लाडली लाल चैनल पे। आज हम लाए हैं गोपाल जी के लिए अम्ब्रेला छाता। ये देखिए, ये पूरा मोतियों से बना हुआ है, बीटेड वर्क है पूरा, पर्ल वर्क। देखिए उसमें घुंघरू ऐड किए मैंने, ये देखिए बज रहा है, एकदम टॉय की तरह काम करेगा ये। गोपाल जी इससे खेल भी सकते हैं। ये देखिए कितना सुंदर है देखने में, बहुत ज़्यादा इसमें मटेरियल नहीं चाहिए हमें। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए देख लेते हैं हमको क्या क्या मटेरियल चाहिए। ये देखिए छोटे साइज के मोती हैं, पर्ल्स एकदम ज़ीरो साइज है, एकदम छोटा साइज है, सेम साइज ये गोल्डन है। ये देखिए छोटे, ये बड़े साइज़ के मैंने मोती लिए हैं, ये डंडी में लगाने के लिए, जो उनकी डंडी में लगेगी हम छाता के। ये थोड़े से घूंघरू लिए, ऑप्शनेबल है ये, आप ले भी सकते हैं, नहीं भी, साइड के किनारे के लिए मैंने ले लिए। देखिए मैं तीन ये गोल्डन मोती लिए हैं, ज़्यादा बड़ा साइज़ भी नहीं है, ज़्यादा छोटा साइज़ भी, नॉर्मल साइज़ है ये, स्टैंड के लिए। नीचे स्टैंड बनेगा ना, तो उसमें इस टाइप से लगा देंगे आप। यहाँ मैंने नायलॉन का थ्रेड लिया हुआ है, और इसे नायल, और ये देखिए ये है इसकी डंडी बनाने के लिए, ये वायर हार्डवेयर की दुकान पे आपको मिल जाएगा। ये इसे वायर काटने के लिए कटर लिया है, इसे मोड़ने के लिए प्लास लिया है हमने, और थ्रेड काटने के लिए इस टाइप का हमने ये वाला कटर लिया है। और ऊपर साइड हमें मोती अगर चिपकाने होंगे, चिपकाने हैं हमको, तो ग्लू गन लिया मैंने इसके लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये आपको सुई लेनी है, मैंने ये आपको नहीं बताया था, नॉर्मल सुई है, तुरपाई वाली ये ले लीजिएगा। और थ्रेड हमने इसमें ऑलरेडी डाल दिया, नायलॉन का थ्रेड। इसमें हमने 6 मोती डाली हैं, छोटे वाले वाइट वाले। इसके देखिए ये एंडिंग पॉइंट है, और इसके देखिए इस साइड से हमें इसे क्रॉस कर देना है, इसे इस तरीके से, इस तरीके से इसे क्रॉस कर देना है, पकड़ के थ्रेड खींच देना है। देखिए मैं थ्रेड खींच के, देखिए एक लूप बना दिया है, थ्रेड खींचेंगे तो अपने आप ये लूप बन जाएगा गोल। ये देखिए इसे टाइटली खींच दीजिएगा, देखिए टाइटली खींच दिया हमने इसे। देखिए इन दोनों को थ्रेड पकड़ के हम गांठ लगा देंगे, दो गांठ लगा देंगे हम यहाँ पे। देखिए हमने दो गांठ लगा दी यहाँ पे, ये दो गांठ लग गई। ये छोटा वाला पॉइंट, ये धागा है, हमें इस तरफ निकाल के दूसरे वाले मोती में इस साइड निकाल देंगे। ये बड़ा वाला थ्रेड है, इसे हम इस साइड निकाल देंगे। देखिए इस साइड, ये वाला हमने इस साइड निकाल दिया, और ये इस साइड निकालेंगे। थ्रेड को खींच के हम इसमें हम 5 मोती डाल लेंगे, इसमें 5 मोती डाल लिए हैं। और ये जो ये एक्स्ट्रा ये हमें इसे कट कर देना है, इस तरीके से कट कर देंगे। एक 5 मोती डाले हैं, देखिए हमारी थ्रेड इस साइड से आ रहा है, तो इसकी अपोजिट साइड से 5 मोती हमने बीच में डाल लिए हैं, ये आप देख सकते हैं। क्योंकि ये हमने 6 का पेयर लिया था, एक पेयर हमें अब इसके ऊपर बनाना है, तो एक मोती हमने ये बीच वाला ले लिया है जिसमें हमने थ्रेड निकला हुआ है, और 5 हमने मोती डाल लिए हैं, तो 6 मोती टोटल हमारे हो जाएंगे। और इसके ये देखिए इस साइड से, ये इस साइड से जा रहा है, और ये हमें इस साइड से सुई हमने इस तरफ निकाल दी है। थ्रेड को खींच देंगे, देखिए एक पैर इसके ऊपर बन गया है, देख सकते हैं इसके, देखिए एक पैर बन गया है। इसके बगल वाले मोती में से हम फिर निकालेंगे, यहाँ से निकाल के फिर हम इस बार चार चार डालेंगे, 4 मोती इसमें। देखिए हमने इसमें 4 मोती डाल दिए हैं हमने, देखिए इस बार 4 मोती इसलिए डाले हैं, हमने स्टार्टिंग में 6 मोती डाले थे, एक पैर बना लिया, फिर हमने 5 मोती डाले, एक पे एक मोती इसका आ गया, तो हमने ये पाँच, एक ये पाँच, ये फिर 6 का पेयर बन गया। अब हम एक मोती देखिए ये आ जाएगा हमारा, और एक मोती इसमें से हम निकालेंगे, तो दो ये हैं, एक दो और चार वो, तो 6 का पेयर इस बार भी हमारा बन जाएगा, इसलिए हमने 4 मोती डाले। अब हम चार ही चार के पेयर बनाते जाएंगे, चार चार मोती डाल के, देखिए एक एक पेयर बनता जाएगा, एक एक बगल में, ये देखिए पेयर बन गया इसके बगल में भी। फिर हम एक बगल वाली सुई में से हमें निकाल देना है, फिर हम 4 मोती डाल लेंगे।
देखिए चार मोती हमने फिर डाली हैं इसमें। देखिए एक इस वाले का मोती लेना है हमें, इस वाले ये जो गोल बनाया हुआ है इस वाले फ्लावर का पेयर का, और एक हमने जिसमें से थर्ड ये अपोजिट साइड से निकला एक ये ले लेना है हमें। फिर देखिए ये बन गया एक पेयर, और फिर इसके बगल वाले में निकालने के बाद फिर हमें मोती चार डालने हैं। आइए इसे कंप्लीट कर लेते हैं हम। देखिए हमने स्टार्टिंग में छः मोती लिए थे, पांच फ्लावर बन गए हमारे ऊपर, पांच पेयर, एक दो तीन चार पाँच, एक पेयर हमें और बनाना है। तो हमने पहले पांच मोती लेके एक पेयर बनाया, फिर हमने चार चार मोती लेके टोटल पेयर बनाए, अब हम तीन मोती लेके पेयर बनाएंगे, क्योंकि हमने देखिए एक ये बीच का मोती आ गया, एक इस साइड का मोती ले लेना है, एक इस साइड का, ये तीन और तीन और डाल देने। देखिए ये इधर से निकला हुआ है, पहले हम इसमें से निकाल लेंगे थ्रेड को, फिर तीन मोती डाल देंगे हम, टू एंड थ्री। देखिए हमें तीन मोती डाल के अब एक ये वाला हमें ले लेना है दोनों साइड का, एक एक ये देखिए इस तरीके से। जितने हम स्टार्टिंग में मोती लेंगे हमारे उतने ही ऊपर साइड में ये पेयर बनेंगे। देखिए एक कंप्लीट हो गया ये देखिए। अब हमें इसमें गोल्डन मोती ऐड करने हैं, तो गोल्डन मोती कैसे ऐड करेंगे, ये देखिए यहाँ पे थ्रेड निकला हुआ है हमारा, यहाँ पे थ्रेड निकला हुआ है ना आपको देख रहा है, इसमें पहले हम गोल्डन मोती डालेंगे एक, ये गोल्डन मोती हमने डाल दिया है। ये देखिए थ्रेड यहाँ से आ रहा है ना, तो हमें इस साइड हमको ले जाना है, इस साइड इधर निकल रहा है, तो हमें इस साइड ले जाके ये देखिए एक दो तीन मोती इधर के छोड़ देने, और एक दो तीन, तो ये बीच का ये हिस्सा आ रहा है ना, तो हम यहाँ पे इसको सुई को एंटर करेंगे इस साइड में, तीन इधर के छोड़ देने, तीन तीसरे वाले में इधर में हमें डालने, क्योंकि हमें इस साइड घूम के जाना है, तो हम इधर ले जाएंगे सुई को। देखिए ये देखिए थ्रेड इस वाले मोती में से निकाला, तो यहाँ पे निकल आया है, तो वापस हम इस वाले में इस वाले मोती में ले जाके फिर एक मोती ऐड कर लेंगे इसमें। ये देखिए हमारा थ्रेड यहाँ पे निकला हुआ है, हमने इस वाले मोती में डाला और फिर इसमें डाला, तो हमारा थ्रेड यहाँ पे आ गया है। फिर एक दो तीन छोड़ के इस साइड वाले तीसरा है, तो हम इसमें एंटर कर देंगे जैसे हमने पहले उस वाले में किया था। इसमें एंटर करते हुए हम फिर इसी में ये देखिए इस वाले में भी साथ में निकाल लेंगे, थ्रेड को खींच लेंगे इस तरीके से। देखिए इसमें भी मोती ऐड हो गया, एक बार मैं आपको और करके दिखा देता हूँ। गोल्डन मोती लेंगे हम, देखिए इस वाले मोती में ये देखिए दिख रहा होगा, एक दो तीन इधर के छोड़ दिए, एक दो तीन ये साइड वाले तीसरे में इसमें एंटर करेंगे, साथ ही हम इस वाले में एंटर कर लेंगे, इन दोनों में एंटर करके इधर निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने इसे एंटर करके निकाल दिया, ये सबके अंदर ये गोल्डन मोती हो जा रहे हैं, ऐसे हम सब में कर लेंगे। ये देखिए लास्ट वाला पेयर है, इसमें भी हम इसी तरीके से करेंगे, लेकिन हमें इसमें अब नीचे नहीं जाना, इस वाले मोती हमने लेना है खाली, थ्रेड खींच देना है। अब हर बार हम नीचे वाले मोती में डाल के अगले पेयर में जाते थे, अब हमें अगले पेयर में जाना नहीं है, इसलिए हम ऊपर ये देखिए कॉर्नर पे आपको ये वाला टॉप दिख रहा होगा, देखिए जैसे देखिए ये देखिए कॉर्नर का ऊपर साइड में मोती दिख रहा है, तो इसमें होते हुए हमें इस वाले मोती में जाना है ऊपर वाले मोती पे। ये देखिए इस तरीके से हम ये देखिए हमने यहाँ पे थ्रेड निकाला हुआ है ये टॉप वाले मोती पे, तो हमें इसमें हमें पांच मोती लेने हैं, हमने पांच मोती ले लिए हैं, वापस हमें इसी वाले मोती में क्रॉस कर देना है। ये देखिए इस तरीके से क्रॉस कर दिया हमने, एक पैर ऊपर बन गया है। अभी देखिए बीच की दो मोती हैं, देखिए स्पेस दिख रहा है ना आपको ये बीच में, तो ये स्पेस वाले दोनों मोती ले लेने हैं आपको, स्पेस वाले दोनों मोती ले लेने हैं आपको, बीच में जो स्पेस जिसमें दिख रहा है आपको वो दोनों मोती ले लेने हैं एक ही साथ, थ्रेड खींच देना है इस बार। ये देखिए एक दो तीन मोती हैं, तीन मोती हमें डालने हैं इसमें, पहले हमने पांच डाले थे, अब इसमें हमें तीन डालने हैं, नेक्स्ट रो हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमें इसमें तीन डालने हैं। देखिए बीच वाला जिस समय हमने चारों साइड गोल्डन लगाया, हमें बीच वाला ये डंडी के लिए हमने खाली छोड़ दिया है, हमें इसमें डंडी ऐड करनी है। देखिए इसमें तीन मोती डाल दिए हैं,
और देखिए एक ये वाला मोती ले लेना है हमें, ये वाला मोती और एक ये, इस वाले में से होते हुए ये दोनों में से हमको जिसमें हमने डाला था वापस निकाल देना है थ्रेड को इस तरीके से। ये देखिए एक पेयर इसके ऊपर बन गया है। फिर हमें ये टॉप वाला मोती ले लेना है, टॉप वाला एक ही मोती लेना है हमें नीचे से। अब हमें इसमें चार मोती डालने, क्योंकि एक हमें इस साइड का मिल गया, स्टार्टिंग था तो हमने पांच मोती लिए थे, अब हमारे इस साइड का एक आ गया है तो एक इस साइड का, दो ये हो गए हैं, एक दो, तो चार मोती हम ले लेंगे इसमें टॉप के लिए। चार मोती ले लिए हमने, देखिए इस तरीके से इसमें डाला हमने, और साइड में ये टॉप वाले मोती में हमने निकाला, और साथ ही ये देखिए इन दोनों मोती में भी हम ले लेते हैं एक और दो, एक दो तीन, और एक में से हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी इस साइड से, तो इनमें हम साथ में ही निकाल देते हैं। आराम से निकालिएगा, आपको मोती ना चटक जाए कहीं बीच में, मोती चटक गया तो आपको दिक्कत हो जाएगी। बस आपको ये याद रखना है जब हमारा टॉप वाला मोती आएगा तो हमें बीच में ये चार चार मोती से बनाना है। स्टार्टिंग हमने पांच टॉप वाले में पांच से बनाए थे, और जब टॉप वाला यहाँ पे आएंगे तो चार चार मोती लेने हैं, और जब बीच के दो हमको जब एक साथ लेने हैं तो हमको तीन मोती लेने हैं। टॉप वाला मोती आएगा तो हमको चार मोती लेने हैं, और बीच के ये दोनों वाले जिसमें गैप है बीच में, ये दोनों एक साथ लेके और फिर ऊपर से हमें तीन मोती लेने हैं। आपको सिर्फ यही याद रखना है। देखिए जैसे ये दो आ गए हैं बीच के हमारे, तो हम तीन मोती लेके यहाँ से एंटर कर देंगे, और फिर इन दोनों मोती में से निकालते हुए फिर टॉप पे हम आ जाएंगे। देखिए इतना कंप्लीट हो गया है, इसका लास्ट वाला पॉइंट करना है हमें। अब हमने स्टार्टिंग में पांच लिए थे, फिर ये जो बीच वाला आता था टॉप वाला आता था उसमें हम चार लेते थे, और बीच वाले में हम तीन लेते थे जिसमें हमें दो मोती गैपिंग वाले जोड़ने होते थे। देखिए फिर ये दो मोती गैपिंग वाले आ गए हैं, तो हमें इस लास्ट है एकदम, तो हमें देखिए इसमें हमें दो ही मोती लेने, पहले हम तीन तीन लेते थे क्योंकि इसमें हमें पहले हम दोनों मोती से निकाल लेंगे, क्योंकि एक मोती हम इस साइड का ले लेंगे। ये देखिए इस साइड का एक मोती हम ले लेंगे, इसमें से हम नीडल को निकाल देंगे, देखिए इस तरीके से हम दो मोती इसमें ऐड कर देंगे, दो मोती हम डाल के, एक मोती हमने इस साइड का, दो हमारे नीचे के थे एक हमने इस साइड का ले लिया और एक इस साइड का ले लेंगे। ये दोनों लेते हुए हम देखिए नीडल को हम निकाल देंगे इस तरीके से, यहाँ पर हमारा थ्रेड आ गया है। अब आप ऊपर वाले में देखेंगे हमारी गैपिंग पॉइंट के दो दो मोती आ गए हैं, देखिए यहाँ पे भी गैप है, यहाँ पे भी गैप है, और टॉप वाला एक, जितने बढ़ते जाएंगे उतने ही यहाँ पे दो दो आए हैं, तो ऊपर वाले में तीन तीन आएंगे, चार चार आएंगे, जितना ही बढ़ता जाएगा उतने ही गैपिंग वाले पॉइंट आते जाएंगे। अब देखिए थर्ड हमारा यहाँ पे आ गया, फिर हमें उसी तरीके से यहाँ पे गोल्डन मोती जोड़ने हैं। एक बार मैं बता देता हूँ, एक गोल्डन मोती लिया हमने, और देखिए ये है, ये इस तरीके से ले लेना है हमें, देखिए तीन इस साइड के, बस आपको ये देख लेना है तीन इस साइड होनी चाहिए, तीन इस साइड होनी चाहिए, और जो इस साइड वाले तीन हैं उस वाले में हमको एंटर कर देना है मोती को, ये नीडल को, ये देखिए इस तरीके से, देखिए गोल्डन मोती आ गया। फिर एक गोल्डन मोती ले लेंगे हम, ये देखिए जब हमारा टॉप वाला आएगा, वैसे बीच वाला आता है तो यहाँ पे हमको एंटर करना होता है, टॉप वाला आएगा तो इस वाले में हमको एंटर करना होता है, इस वाले में यहाँ पे, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमको एंटर करना है। बस आपको ये याद रखना है तीन साइड होने चाहिए, तीन साइड होनी चाहिए, ठेर छह टोटल मोती हैं हमारे, और फिर हमारे ये नीचे आ जाना है हमें इसमें। पहले हम डायरेक्टली नीचे आ गए थे क्योंकि ये बीच वाला था, और जो टॉप वाले में हमको करना है तो हमको इस वाले यहाँ पे मोती आता है, तो एक बार घूम के हमको फिर बीच में आना होता है। देखिए फिर आ गए, तो फिर हम मोती लेके एक यहाँ पे इस तरीके से आएंगे, इस वाले में निकालेंगे, फिर हम यहाँ निकलेंगे, फिर एक मोती लेके हम फिर ये ऊपर वाले में आ जाएंगे, इस जगह पे निकालेंगे, तो ऐसे कर लेते हैं। इतना कंप्लीट हो गया, ये दो पैर बाकी हैं, आइए हम इसमें बता देते हैं आपको कैसे करना है। देखिए ये पहले हमें नीचे ले जाना है इस मोती में, और एक गोल्डन मोती हम साथ में ही डाल लेते हैं इसमें। अब देखिए ये तीन इस साइड वाले हैं, देखिए फिर हमें इस वाले में ही फिर नीचे ले जाना है, एक गोल्डन मोती फिर हम साथ में डाल लेते हैं, ये देखिए। अब देखिए हर बार हम इस वाले में डालते थे ना, इस वाले में,
ये टॉप वाला मोती ये पेयर है तो इसमें इसमें डालना है, क्योंकि देखिए तीन इस साइड है, तीन इस साइड, अगर इस वाले में डालेंगे तो दो इस साइड हो जाएंगे, चार ये इस साइड हो जाएंगे, देख सकते हैं आप। टॉप वाले में हमको बस याद ये याद रखना है कि इसमें हमें तीन इस साइड अगर इस वाले में डालते हैं तो ये दो साइड, दो पीस इस साइड हो जाएंगे मोती और चार इस साइड हो जाएंगे, हमको तीन में डालना है तो ये याद रखना है हमें, तो ये टॉप वाले में इस वाले में डालना होगा। देखिए ये कंप्लीट हो गया, ये देखिए देख सकते हैं आप कंप्लीट हो गया एकदम। देखिए साथ में हम इस वाले मोती में निकाल लेंगे आगे वाले में, क्योंकि ये गैप है बीच में, तो ये आगे वाले मोती में हम निकालेंगे क्योंकि हमें गैप फिल करना है। तो ये देखिए दो मोती हो गए हमारे बीच के, एक और दो, तो हम चार मोती ले लेते हैं, चार मोती मोती ले लिए। देखिए इस दूसरे वाले में से हमें निकालते हुए इस तरीके से क्रॉस कर देना है, ये देखिए दोनों में से निकाल क्रॉस करके, साथ ही में हमें इन दोनों में आगे वाले में से भी निकाल लेना है ताकि हमको थ्रेड बार बार खींचना नहीं पड़े, इस साइड डाल देंगे तो। ये देखिए एक पेयर हो गया है, फिर हम तीन मोती ले लेंगे क्योंकि हमें एक इस साइड का मिल गया और दो ये वाले, तो हम तीन मोती ले लेंगे इस बार। हमने तीन मोती ले लिए हैं, एक इस साइड वाला पेयर ले लिया हमने और ये दोनों मोती जिसमें से हमने पहले निकाले थे, ये दोनों दोनों एक साथ ले लिए हमने, और साथ ही ये देखिए टॉप वाला है तो इसमें भी हम डाल लेंगे, देखिए कॉर्नर वाला जो मोती है ऊपर का उसमें भी हम साथ में ही डाल लेंगे, और इसको आराम से एकदम खींचना है क्योंकि आपका मोती अगर चटक गया बीच में तो आपको दिक्कत हो जाएगी बहुत। ये देखिए अब हम इसमें हमने डाल दिया, हमें चार मोती लेने हैं, ये टॉप वाला है तो हमें चार मोती लेने हैं, स्टार्टिंग के टॉप के मोती में हमें चार लेने हैं। टॉप का मोती आएगा तो सिर्फ हमें ये नीचे का एक ही लेना है, ऊपर के हमें चार ले लेना है, और ये देखिए इस साइड वाला मोती में हम ऐड कर लेंगे। देखिए चार मोती ले लिए हमने, एक इस साइड के मोती हमने ऐड किया और एक ये इस साइड में से निकाल दिया हमने, और साथ ही हमने ये दो बीच के जो गैपिंग वाले मोती हैं इसमें बीच में स्पेस है मोतियों में, ये वाले मोती हमने साथ में ले लिए, और ये देखिए एक पेयर फिर हमारा कंप्लीट हो गया। ये देखिए ये टॉप वाला आ गया हमारा, ऐसे ही हम चारों साइड के कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए हमने कंप्लीट कर लिए थर्ड रो, ये देखिए फर्स्ट रो ये है, ये फर्स्ट राउंड है, फर्स्ट रो ये, सेकंड रो ये, थर्ड रो ये, मतलब तीसरी लाइन ये है, तो इसमें देखिए ये लास्ट वाला हम पेयर कंप्लीट करते हैं, इस वाले मोती में ऐड करेंगे, इसमें तीन मोती डालेंगे। ये टॉप वाला ये देखिए कॉर्नर वाले से, ये कॉर्नर के आपको दिख रहे हैं ना, इस साइड का भी कॉर्नर का है, तीन मोती इसमें ऐड करेंगे, वन टू एंड थ्री, तीन मोती डालने के बाद हम ये देखिए इस साइड से ये वाला एक मोती ले लेंगे हम डालने, और हम थ्रेड को खींच देंगे। देखिए इस साइड का भी ये पेयर कंप्लीट हो गया, इस साइड में जैसे आपको गोल्डन मोती बताए थे ऐड करना, तो सब में पहले गोल्डन मोती ऐड करने, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। ये देखिए ये एक गोल्डन मोती लिया हमने, और देखिए जब ये टॉप वाला आएगा ना तब हमें यहाँ पे इस वाले में, मैं आपको बता देता हूँ, जब हमारा टॉप वाला आएगा तो हमें इस वाले मोती में एंटर करना है, इस वाले में, इसमें करते हुए और ये नीचे वाले में, इन दोनों में एंटर कर लेना है, तो हमें टॉप वाला आएगा तो इस वाले में एंटर कर लेना है, और जब हमारे ये साइड वाले आएंगे मोती छड को अच्छे से खींच देना है। ये देखिए टॉप वाला हमने कंप्लीट कर लिया है, ये जो कॉर्नर वाला है ये पेयर कंप्लीट कर लिया, ये साइड वाले ये जो दो पेयर आपको दिख रहे हैं इसमें हमने यहाँ से देखिए थ्रेड को निकाला हुआ है, तो अब हमें इसमें यहाँ से इसमें वाले में ले जाना है, ये बीच वाले में, ओके। बस आपको यही याद रखना है, जब टॉप वाला आएगा तो हमें उस मोती में निकालना है, और जब ये साइड वाले आएंगे तो हमें ये इस किनारे कॉर्नर वाले से ही निकाल देना है। एक बार मैं आपको और दिखा देता हूँ एक पीस करके, एक हमने मोती ऐड किया इसमें गोल्डन, ऐड करने के बाद हमें देखिए वापस इस वाले में ही, ये देखिए इस वाले में निकाल देना है। फिर हम टॉप वाले पे आ गए, फिर हमने गोल्डन मोती लिया, गोल्डन मोती लेने के बाद ये देखिए अब ऐसे हम सब हर बार इसमें निकालते थे, हम इसमें निकालना है, जब टॉप वाला आएगा तो हमें इस वाले मोती में, इस वाले में निकाल देना है, इस वाले में निकाल के, और फिर हमें ये नीचे आना उसी जगह पे, लेकिन हमें पहले इसमें निकालना है, पहले इसमें तीन इस साइड करना है तो तीन इस साइड,
जो इस साइड वाला जो 1, 2 एंड 3 यहाँ पे मोती होगा उसमें निकालना है हमको, बस आपको यही याद रखना है। तो ऐसे हम सब सारे कंप्लीट कर लेंगे गोल्डन लगा के, और जितना बड़ा चाहिए आप उतना बड़ा कर लीजिएगा इसे। टोटल इसे कंप्लीट करके हम आते हैं, हम इसकी करीब 5 लेंथ कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं हमको कितना चाहिए। ये देखिए हमने इसे इतना कंप्लीट कर लिया है, ये 5 रो कंप्लीट कर ली है, 5 लाइनें। मुझे थोड़ा छोटा लग रहा है इसलिए हम 2 लेंथ उसमें और ऐड करके थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं इसे। ये देखिए हमने इसे 7 रो इसकी पूरी कर ली है, 7 लाइन्स इस टाइप से गिनेंगे तो ये एक राउंड हो गया, 1, 2 से राउंड से गिनेंगे तो 7 इसकी कंप्लीट हो गई है। देखिए इतना बड़ा है, मुझे इतना बड़ा ही ठीक लग रहा है, और आपको और बड़ा चाहिए तो इसे और बड़ा कर सकते हैं। और इसमें देखिए अब हमें कुछ नहीं करना है, ये देखिए साइड में थ्रेड है, बस इसमें साइड साइड में पूरी 4 निकाल देना है, निकाल के यहाँ इस पॉइंट तक हमको ले आना है। देखिए इस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ सिंपली निकालना है और कुछ नहीं करना है, इसमें सारे थ्रेड में से सारे मोती में से सिर्फ निकालना है इसे, इस तरीके से करके बस निकालते रहना है। ये यहाँ तक हम ले आएंगे निकाल के। देखिए हमने थ्रेड को यहाँ पे हमने निकाल लिया है, ये देखिए इस जगह पे हमने ये टॉप वाला पॉइंट है तो इस वाले मोती हमने निकाल लिया है। और इसमें देखिए हमने 2 गोल्डन मोती डाले हैं, 2 गोल्डन मोती डाल लिए। उसके बाद हमने एक घुंघरू डाला है, ये देखिए एक घुंघरू डाल लिया हमने, और फिर 2 मोती फिर डाले हैं गोल्डन वाले। देखिए कुछ इस तरीके से ये 2 गोल्डन मोती, फिर एक घुंघरू, फिर 2 गोल्डन मोती, और इसको हम इस साइड से क्रॉस कर देंगे, ये देखिए इसके अपोजिट साइड से, फिर निकाल के निकालते हुए ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से आ गए ये घुंघरू इस तरीके से यहाँ पे आ गया। फिर हम निकालते हुए इसे पूरे मोतियों में से यहाँ पे फिर नीडल को ले आएंगे। देखिए फिर इस पॉइंट पे आ गए हैं, इसके टॉप पॉइंट पे कॉर्नर वाले पे, फिर हमने 2 मोती गोल्डन वाले और एक घुंघरू और एक 2 मोती इस तरीके से फिर ले लिया है। और फिर इसे देखिए थ्रेड को खींच लेना है ताकि ये इस तरीके से राउंड शेप में हो जाए, इस तरीके से अगर लूज़ रखेंगे तो ये राउंड शेप में नहीं आएगा। एक उंगली से देखिए इस तरीके से पकड़ लीजिए आप, फिर इसे क्रॉस करिए यहाँ से थ्रेड को दबाते हुए, इस तरीके से आप क्रॉस कर दीजिए। ये देखिए अब फिर यहाँ पर निकालते हुए ऐसे ही चारों साइड हम मतलब टोटल ये इतने पॉइंट हैं ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। इनमें से थ्रेड निकालेंगे, यहाँ पे पॉइंट पे आएंगे तो यहाँ पे निकाल के 2 मोती एक घुंघरू 2 मोती करके अपोजिट साइड से नीडल को डाल के क्रॉस कर देंगे और 4 साइड ऐसे हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए कंप्लीट हो गया, देखिए सारे घुंघरू लग गए हैं इसमें। हम थ्रेड को मोतियों में इधर ले जाते हुए ख़त्म कर देंगे गांठ लगा के। ये कंप्लीट हो गया है, अब हमें इसके डंडी बनानी है। ये देखिए वायर है, इसके मैंने देखिए 3 पीस कट कर लिए हैं, देखिए इस टाइप से इनको देखिए बराबर से, जितनी बड़ी आपको डंडी चाहिए उतने साइज़ के ये कट कर लीजिए आप। देखिए मोती को इसके अंदर एंटर करना है, मोती आप ध्यान रखिएगा इतना बड़ा इसका बीच का होल होना चाहिए कि इसमें 3 पीस चले जाएँ आराम से, आप इतना ये ध्यान रखिएगा। इसके अंदर ये पूरे मोती हम फील कर लेंगे कुछ इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से एंटर करके हम सारे फील कर लेंगे, इसके अंदर मोती सारे ऐड कर लेंगे। ये देखिए हमने इसे सारे मोती ऐड कर लिए इसमें, अब देखिए इसको इस तरीके से यहाँ से एंटर करते हुए इस तरीके से ये देखिए डालना है इसमें। अब इसे ग्लू गन से पेस्ट करेंगे अभी हम, ये देख लिए हम इसके ऊपर ग्लू लगाएंगे कुछ इस टाइप से, आराम से इसे यूज कीजिएगा क्योंकि हॉट होता ही है। इसके ऊपर इस तरीके से इसे ये पेस्ट कर दीजिए, देखिए पेस्ट हो गया ये,
इसके ऊपर भी थोड़ा ग्लू लगाएंगे। इसके ऊपर हम एक ये मोती पेस्ट कर देंगे। देखिए कुछ इस तरीके से। ये पेस्ट हो गया है। एक मैंने ये छोटा सा स्टोन लगा दिया है। ज़रूरी नहीं है, अगर स्टोन नहीं है आपके पास तो ये गोल्डन मोती एक पीस ऐसे लगा सकते हैं। मैंने ये स्टोन लगा दिया, मेरे पास अवेलेबल था इसलिए। अब हमें इसका स्टैंड बनाना है नीचे, ताकि ये खड़ा कैसे होगा। इस वजह से हमें ये थोड़े थोड़े इस तरीके से अलग अलग करके राउंड शेप में से इस तरीके से ये तीनों कोने मोड़ लेने हैं हमें। इस तरीके से हम मैंने सेट कर लिए हैं इसे। और इसमें हम ये गोल्डन मोती इस तरीके से सब में प्रो लेंगे। ये हमने ये इस तरीके से इसमें प्रो लिए हैं। अब हम इसे ग्लू गन से एक बड़ा वाला मोती इसमें पेस्ट कर देंगे। इस तरीके से ग्लू लगा के इसमें, और एक ही गोल्डन वाला मोती लेके देखिए इस तरीके से इसमें ये पेस्ट हो गया, देख सकते हैं आप ये। ऐसे में ये सारी साइड इसमें कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए कंप्लीट हो गया, ये एकदम एकदम फैशनेबल लुक आ रहा है इसमें। घुंघरू लग रहे थे और बजेगा ये, तो गोपाल जी को अच्छा लगेगा। इसे इस तरीके से मोड़ मोड़ के सही कर लीजिएगा आप। ये देखिए कंप्लीट हो गया, ये इस तरीके से ये खड़ा हो जाएगा। इसको सेट कर लीजिएगा नीचे से इसके पैर, जहाँ भी आप एकदम इक्वल अगर सेट कर लेंगे तो ये नहीं गिरेगा। ये देखिए खड़ा हो चुका है ये। मैं आशा करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ताकि मैं आपके समक्ष दूसरा वीडियो उपस्थित कर सकूँ। इससे जुड़ी कोई भी जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा मुझे। श्री राधे भक्तों।